अगर आपको लगता है आपके पास जो वाईफाई है उसका पासवर्ड काफी सारे लोगों को मालूम चल गया है, या फिर आप अपने वाईफाई की पासवर्ड को ऐसे ही चेंज करना चाहते हो और आपको मालूम नहीं है आप किस तरह से आप अपने राउटर की जो पासवर्ड है वो किस तरह से चेंज कर सकते हो, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप अपने वाईफाई की पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आज कुछ साथ में नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी वाईफाई की पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको आपकी कंप्यूटर की किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको आपकी ब्राउजर की जो सर्च बॉक्स है आपको वहाँ पे टाइप करना है, आपकी राउटर की जो आईपी एड्रेस है उसे यहाँ पे टाइप करना है। अब यहाँ पे बात आते हैं आपको आपकी राउटर की आईपी एड्रेस कहाँ से मालूम चलेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन की पर देख सकते हो, आप जैसे आप अपने राउटर की पीछे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक आईपी एड्रेस देखने को मिल जाता है। ये हर राउटर की आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। आपको यहाँ पे उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सर्च करना है। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आईपी एड्रेस को टाइप करके एंटर की पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको आपकी राउटर की जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका जो यूजर नेम और इसका जो पासवर्ड है ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपकी आपका जो राउटर है उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका यूजर नेम और इसका पासवर्ड आप यहाँ पे स्क्रीन की पर देख सकते हो। इसी तरह से आपके पास भी जो राउटर है उसके पीछे आपकी जो यूजर नेम है और उसका जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी यूजर नेम और उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन की पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से पूरी डिटेल्स हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलता है, वायरलेस का ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नेम, और उसके बगल पे आपकी जो वाईफाई की नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने वाईफाई की नेम को चेंज कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली आते हैं कि किस तरह से आप अपने वाईफाई की पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी ऑप्शन, और उसी के नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको प्री शेयर्ड की, और उसी के बगल पे आपकी जो अभी करंट पासवर्ड है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ से इस पासवर्ड को हटा देना है। हटाने के बाद आपको यहाँ से मिनिमम 8 डिजिट से लेकर मैक्सिमम 63 लेटर मिल जाता है। आप इनमें से जितना चाहो उतनी लेटर को यूज कर सकते हो अपने पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। ये तो यहाँ से आप दोबारा अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो वाईफाई की नेम है और आपकी जो वाईफाई की पासवर्ड है दोनों का दोनों चेंज हो जाएगा। मैं कुछ टाइम पहले अपने पासवर्ड को चेंज किया है इसलिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि किस तरह से आप अपनी वाईफाई की पासवर्ड को उसका नेम को कैसे चेंज कर सकते हो। और एक बात, आप जैसे ही यहाँ पे अपने वाईफाई की पासवर्ड को चेंज कर लोगे तो आपकी कंप्यूटर के अंदर से आपकी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको दोबारा अपने कंप्यूटर के अंदर वाईफाई के फंक्शन पे जाके वहाँ पे न्यू पासवर्ड को डाल के दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास चाहे कोई भी कंपनी की राउटर हो आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर के अंदर से अपने वाईफाई की नेम को अपने वाईफाई की पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आप अपने वाईफाई की पासवर्ड को चेंज करने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी कमेंट की रिप्लाई देने का। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक की पर नए नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे दिए हुआ जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन है उसे दबा के पास में आई हुए घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम पे ऐसी भी बड़ी बढ़िया टॉपिक की पर मैं जो वीडियो को पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो चलिए मिलती है आपसे इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।